यार आप इतने दिन कहाँ थे? यार केसर जान, बताने का बात नहीं है, लेकिन अभी तुम यार दोस्त आदमी है, अभी तुमको तुमसे क्या छुपा सकते हैं आदमी। यार हमने अपना दाढ़ी मूछ काट दिया था। आपने अपना दाढ़ी मूछ काट दिया? सफा चट। अभी खुद को हम आईने में देखता था, हमारा अपना आप खुद को अच्छा नहीं लगता था। अभी दूसरों के सामने हम कैसे जाता था? ये हमने खुद को सजा दिया भाई। सजा? किस बात की सजा? यार कैसर जान, जैसे आदमी चोरी में पकड़ा जाता है, कोई गुनाह करता है, कोई इस तरह गलती करता है, उसको क्या सजा देते हैं? उसका दाढ़ी काटते हैं, उसका मूछे काटते हैं, उसको गधे पे बिठाते हैं, उसका मुंह काला करते हैं, उसको सबके सामने रुसवा करते हैं। बस हमने अपने सामने खुद को रुसवा किया। आपसे क्या गलती हुई? यार कैसर जान, एक महफिल में बैठा हुआ था, अभी आपसे जो मिलके मैं गया था ना कुछ दिन पहले, मलंग जान भी उसमें मौजूद था। मलंग जान को जानते हो आप? वो हम लोग का वो दरवेश, वो सूफी, वो अभी किसी से मैंने बात किया महफिल के अंदर, वो भी ऐसे बेशर्म, ऐसे बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। उसने ऐसे कोई बात किया, बस मेरा मुंह खुल गया भाई, ऐसा ऊपर नीचे का बात किया, मैंने गाली माली सारा दे दिया उसको। किस्सा मिस्सा ख़त्म हो गया मजलिस का। ऐसे मलंग जान आ गया हमारे पास, बैठ गया, बोला मामा तुम एक काम करो, या तो ये गाली देना बंद करो या फिर दाढ़ी ख़त्म करो। हमने बोला क्या हो गया मलंग जान, ऐसा होता रहता है यार, ऐसे दे दिया गाली, ऐसे मुंह से निकल जाता, किस्सा क्या है? उसने कहा नहीं, ये जो तुम मुंह मेरा अपना चेहरे पे लगाया हुआ ना, ये नबी का सुन्नत है, नबी का सुन्नत के साथ माफ़ी नहीं है, समझ गया ना, एक लफ्ज़ का भी माफ़ी नहीं है। यार जो मलंग जान ने फिर आगे किस्सा शुरू किया, दो टके का कर दिया हमको, बोलता है कि तुम मतलब हर चीज़ को सुन्नत समझ के सवाब के लिए करता है, दाढ़ी रखता है, फिर तुम सुरमा लगाता है, फिर तुम मसवाक करता है, फिर तुम पगड़ी सर पे रखता है, फिर तुम नबी का तौर का कपड़े भी पहनता है। अरे तुम्हारा आँख में आया नहीं है, तुम्हारा मुंह से गलाजत निकलता है, तुम्हारा माथे पे सारा शिकन है, कोई खंदा पेशानी नहीं है, गर्दन तुम्हारा देखो ऐसा अकड़ा हुआ है, गुरूर है, तकब्बुर है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारा तुम्हारा ऊपर से नज़र आता है लेकिन अंदर से तो महिला आदमी है, तो तुम तो सुन्नत का बेशर्फी कर रहे है, उसका बेइज्जती कर रहे है, तुमसे कैसे नहीं पूछेगा? उसने बोला और तो और ऊपर से तुम आशिकी का जो दावे करता है, तुमको पता है इश्क क्या होता है? इश्क क्या होता है? इश्क होता है फरमाबरदारी, इश्क होता है अताहत, इश्क होता है तकलीद। तुम तो फरमाबरदारी तकलीद ये सबसे भी ऊपर खड़ा हुआ है, तुम तो बोलते हैं हम तो गुलामी करता है, बोलते हैं हम गुलाम है, नबी का गुलाम है। अरे गुलामी क्या होता है? गुलामी खुद से जब इंसान आज़ाद होता है तो दूसरे का गुलाम होता है। अपना नफ्स से आज़ाद हो जाओ, अपना लालच से आज़ाद हो जाओ, अपना गुरूर से, अपना तकब्बुर से, अपना ख्वाहिशों से आज़ाद हो जाओ, फिर किसी दूसरे का गुलामी करो ना। तुम तो अपने अंदर फंसा हुआ है भाई, तुम गुलामी नहीं आता है तुमको भाईजान, तुम करते हैं चापलूसी, समझ गया ना, चापलूसी तो चल जाता है। अभी सामने सरकारी अफसर है, सरदार है, नवाब है, कोई चौधरी है, कोई वडेरा है, उस पर तो चापलूसी चल जाता है, लेकिन उधर सरकार दो आलम है भाई, समझ गया ना। तो तुम्हारा चापलूसी क़यामत के दिन तुम्हारा मुंह पे मारेगा। तुम जब इस तरह का दावा करता है तो तुम एहतियात किया करो, तुम एक मामूली से मामूली उम्मती बन जाओ ना, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। दावा करता है ना तो फिर दावे पे खड़ा हो जाओ, फिर ये जो टशम बशम ऊपर नीचे किस्से कहानियां जो तुमने चलाया हुआ है ना दिखावे का, ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा मामा। यार बस कैसर जान, हम घर गया, हमने बोला यार इसका काबिल नहीं है तुम, इसका तुम काबिल नहीं है। फिर हमने आपको सजा दिया। जब इंसान तकब्बुर में, गुरूर में, किसी अपने किसी पूंपा में ऊपर हो जाता है ना, तो फिर उसको अपने ऐसा ही करना चाहिए कि अपने आप को खुद गधे पर बिठाना चाहिए, अपना खुद मुंह काला करना चाहिए। फिर वो उस जगह पे आता है जिस जगह पे खड़े होकर उस पर कोई रहम करे, उसको कोई माफ़ करे। तो हम लोग, मैं और तुम भाई, ऐसे बैठे बैठे पता नहीं कैसा कैसा दावा करता है, हम लोग को नहीं पता है कि हम किस ज़ात के सामने खड़े हैं और किस का नाम लेते हैं और कौन से दावे कर रहे हैं, ये हम लोग का गले पड़ जाएगा भाई।
इससे पहले कि कुदरत गधे पे बिठाए आपको, इससे पहले कि कुदरत आपको सजा दे, इससे पहले कि ज़ात मुबारक का आपके सामने आप चला जाओ, उससे पहले अच्छा है कि आप खुद को खुद सजा दो। मलंग जान ने मुझको ये बात की है, यार हमारा तो बिल्कुल ही समझ लो हम काम गया यार, हमारा दिल काम गया। ने बोला यार कल अगर यही सवाल नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन हमारे से किया और हमको इस काबिल समझा कि सवाल किया, काबिल किसको समझेगा कि सवाल करेगा, हम जैसे लोगों से तो सवाल भी नहीं करेगा, इस काबिल समझा सवाल किया कि ये जो मेरे नाम का पगड़ी, मेरे नाम का दाढ़ी, मेरे नाम का सुन्नत लेकर और मेरे नाम का आशिकी लेकर जो तुम खड़ा होता था लोगों के सामने, 2% का तुम्हारा अमाल होता था, ये तुम्हारा मुंह से गलाजत होता था, तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतना सख्ती होता था, तुम्हारे माथे के ऊपर इतना सख्ती होता था, इसका हिसाब किताब दो, कहाँ से लाऊं? तो उससे पहले आदमी अपने आप को इधर ही ठीक करे। क्या सरजन, ये हम लोग अपने अंदर समझते हैं कि हमने बस नारा लगा दिया, बस दावा कर दिया, बस थोड़ा सा आंखों से 2 कतरे निकाल लिए हम लोगों ने आंसू का, तो हम लोगों ने समझ लिया हमने इश्क का दर्जा पूरा किया। इश्क में कैसर जान आदमी मनाते मनाते ख़त्म हो जाता है, पूरी ज़िंदगी आपको मनाना पड़ता है, राज़ी रखना पड़ता है, इश्क तो पूरा ज़िंदगी राज़ी रखने का नाम है। यार कैसर जान आपको एक बात बताऊँ, जब तक बच्चा अपनी टोपी में रहता है उसकी गलती भी माफ़ होती है, उसकी शरारत भी माफ़ होती है, वो उसकी अपनी गलती है, उसकी शरारत भी उसकी अपनी होती है, लेकिन जब वो सर पे बाप की पगड़ी रखता है फिर उसकी शरारत माफ़ नहीं होती, उसकी गलतियाँ माफ़ नहीं होती, क्योंकि वो उस पगड़ी का ज़िम्मेदार होता है। अभी मेरा भाई, हम लोग जब कोई सुन्नत अपनाते हैं, जब नबी मुबारक का कोई भी चीज़ उसको अपना शान बनाते हैं, अपना चेहरे का जीनत बनाते हैं, तो फिर उतना ही हम लोग ज़िम्मेदार होते हैं जैसे एक पाप की पगड़ी का इंसान ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि उसके बाद हर गलती, आप समझ रहे हो, फिर आप कोई भी गलती करोगे तो एक गैर आदमी उस गलती को किधर ले जाकर जोड़ता है, क्योंकि आप तर्जुमान बन जाते हो, आप उस जगह पे आकर खड़े हो जाते हो जहाँ आप एक ज़िम्मेदारी सर पे रख के बैठे हो। ये बहुत ज़रूरी है, यही बात मलंग जान ने समझाया और यही बात हमने जब अपना दाढ़ी मंडवाया ना, अपना चेहरा साफ़ किया, तो उस आईने में रोज़ हमको ये बात समझ में आता था कि जिस वक़्त तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम तर्जमान बन सको, जिस वक़्त इस काबिल हो जाओ कि तुम एक मामूली उम्मती बन सको, जिस वक़्त तुम इस काबिल हो जाओ कि उस बोझ को अपने सर पे या उस ज़िम्मेदारी को अपने सर पे उठाने का काबिल हो सको, तब उसको अपना सर पे रखो। मुझको तो भी इतना अरसे जब हमने अपना चेहरा बग़ैर दाढ़ी के आईने में देखता रहा, तुमको एक बात समझ में आ गया कि सुरमा नहीं हया, मसवाक नहीं शीरीनी, पगड़ी नहीं खंदा पेशानी, जुल्फें बेशक आपका जैसा भी है, गर्दन में आजजी होना चाहिए, कपड़े बेशक आप जैसा भी पहनो लेकिन उसमें इनकिसारी होना चाहिए, बात आप करो नहीं करो, किसी को दो नहीं दो लेकिन लफ्ज़ निकालो तो दूसरे का दिल नहीं दुखे। ये इतना दिन जो हम बग़ैर दाढ़ी के ख़ुद को आईने में देखता रहना, तुमको यही बात समझ में आता रहे कि तुम अपने आप को तकब्बुर वाला इश्क के दावे से अगर एक मामूली उम्मती वाला खामोशी और इनकिसारी और ताबेदारी में डालो तो खुदा की कसम ना, उसमें बहुत राहत है, बहुत सुकून है, बख्शिश भी है इंशाल्लाह। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ।